नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो चौथा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड पर, उस टेस्ट मैच में क्या होगी प्लेइंग 11 भारतीय टीम की, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा और कौन सा दिग्गज खिलाड़ी इस सीरीज से बाहर हुआ है भारतीय टीम का, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आप इंडियन टीम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंजरी टीम इंडिया का साथ छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो ये फेविकॉल के जोड़ से चिपकी हुई है। इस इंजरी की वजह से सीरीज के हर टेस्ट से पहले टीम इंडिया का कोई ना कोई खिलाड़ी बाहर हुआ है। ताजा नाम तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का है। बुमराह पेट की समस्या से जूझ रहे हैं और इसे लेकर ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में रिपोर्ट है कि बुमराह के बाहर होने के बाद तमिलनाडु के स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को ब्रिस्बेन में खेले जाने वाले सीरीज के आखिरी टेस्ट में मौका दिया जा सकता है। वॉशिंगटन सुंदर को व्हाइट बॉल सीरीज के खत्म होने के बाद बैकअप के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में रोक दिया गया था, लेकिन अब लगता है कि उनका वहां रुकना टीम के काम आ सकता है। टीम इंडिया के लिए रंगीन लिबास में क्रिकेट खेलने के बाद अब सुंदर व्हाइट जर्सी में भी मैदान पर उतर सकते हैं। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर के प्लेइंग 11 में शामिल होने का मतलब होगा कि वो अश्विन के साथ गेंदबाजी करेंगे। सुंदर और अश्विन को दोनों के पास बल्लेबाजी का टैलेंट भी है, तो ऐसे में ये टीम के लिए ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। वॉशिंगटन सुंदर को अगर गाबा टेस्ट के प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो साहा के लिए एंट्री के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वहीं पेस अटैक में नटराजन से पहले शार्दुल ठाकुर को तवज्जो मिलती देखेगी। दोस्तों, टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी इंजरी के शिकार हो चुके हैं, ऐसे में ब्रिस्बेन टेस्ट में प्लेइंग 11 कुछ इस तरह हो सकती है। तो दोस्तों, ओपनिंग कर सकते हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा। इसके बाद नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर अजिंक्य रहाणे, नंबर 5 पर मयंक अग्रवाल, नंबर 6 पर ऋषभ पंत, नंबर 7 पर आर अश्विन, नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज, नंबर 10 पर नवदीप सैनी और नंबर 11 पर शार्दुल ठाकुर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहता हूँ।